दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। भारत की धरती पर एक से एक महान नेताओं ने जन्म लिया। हम आज सपना की धरती के एक स्वर्गीय रामानंद सिंह का एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाने जा रहा हूं। आप कुछ राजनीतिक किस्से सुनिए, आपको बहुत आनंद आएगा, मजा आएगा। रामानंद सिंह चित्रकूट से विधायक बने और वह वन मंत्री भी बने। मध्य प्रदेश सरकार के वह वन मंत्री थे और वह अपने मंत्रालय में बैठे हुए थे। मंत्रालय में बैठे हुए अपने स्टाफ को उन्होंने कहा कि एक रेफ्रिजरेटर, एक फ्रिज हमारे बंगले पे भिजवा दिया जाए। स्टाफ ने एक फ्रिज उनके घर पे भिजवाया, फ्रिज उनके घर पहुंचा और उनके बंगले पे रख दिया गया। जब वन मंत्री रामानंद सिंह लौट के घर आए तो उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत डांटा। अब आप कारण सुनेंगे तो आपको बहुत हंसी आएगी। वन मंत्री रामानंद सिंह की पत्नी ने सिर्फ इसलिए डांटा कि आपने यह कैसी अलमारी भेजी है जिसमें इतने छोटे छोटे खंदे हैं और कपड़े नहीं आ रहे हैं। उन्होंने रामानंद सिंह वन मंत्री की पत्नी ने उस फ्रिज में कपड़े ठूस के रख दिए थे और कपड़े आ ही नहीं रहे थे। तब फिर वन मंत्री रामानंद सिंह ने समझाया कि यह अलमारी नहीं है, इसमें कपड़े नहीं रखे जाते हैं। और उन्होंने कपड़े निकाल कर और उन्हें लाइट के प्लग में खोस कर और लगा कर दिखाया, बोले इसमें सब्जियां, दूध और यह सब चीजें रखने से वह चीजें खराब नहीं होती हैं, इसे रेफ्रिजरेटर फ्रिज कहते हैं। यह बात खुद रामानंद सिंह ने एक बार मुझसे अपने घर पर, अपने सतना निवास पर बैठे हुए बताई कि मैं वन मंत्री था उस समय, मेरे साथ ऐसी भी एक घटना घटित हुई और बोले पूरे स्टाफ के समय मेरी हंसी उड़ी जब मेरी पत्नी ने मुझे डांटा और उसने फ्रिज को अलमारी समझ बैठी। जानिए कि वह कितनी साधारण महिला रही होंगी, गांव की महिला थी और उनको यह समझ में नहीं आया कि यह फ्रिज है कि यह अलमारी है। लेकिन अगर आप यह सोच कर देखें कि अगर आप उस समय उपस्थित होते, उस समय वन मंत्री रामानंद सिंह का चेहरा क्या रहा होगा और उनकी पत्नी का क्या चेहरा रहा जब वह डांट रही थी और जब उन्हें पता चला कि यह अलमारी नहीं फ्रिज है, तब उनका चेहरा कैसा रहा हो। ऐसे ही राजनीतिक किस्से मैं लगातार आप लोगों को सुनाते रहूंगा। आप देखते रहिए हमारे न्यूज चैनल रम्मू सिंह।